नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी और लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ न्यू टिप्स और ट्रिक लेके आई हूँ जो कि हमारे हर रोज काम आते हैं और हमारे काम को आसान बना देते हैं। वही टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि सभी के घरों में दीपावली हो चाहे कोई और त्यौहार हो, हम लोग दीवे लाते ही हैं। जैसे कि हम नवरात्रे आते हैं, जन्माष्टमी आती है, तो हम लोग न्यू दीये लाते हैं और जो पुराने दिए होते हैं उनको हम निकाल देते हैं। और कभी कभी हम क्या करते थे कि हम फेंक देते थे। तो दोस्तों, आज के बाद ये दिए फेंकना नहीं, ये दिए बहुत ही ज़्यादा काम और यूजफुल होने वाले हैं। इनसे आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो वो क्या है, वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दिए हैं, इनको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। उसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर मैं हरपिक डाल दूंगी। और दोस्तों, एक कमेंट मुझे आया था कि हरपिक बाथरूम में ही यूज होता है, किचन में नहीं। तो दोस्तों, ये गलत सोच है। हम लोग इस हरपिक से हम किचन के टाइल्स और स्लैब ये सब साफ कर सकते हैं। यानी मतलब कि हरपिक सिर्फ न्यू होना चाहिए, ये बाथरूम या टॉयलेट में यूज नहीं होना चाहिए। और न्यू चीज, इसके अंदर कोई ऐसे गंदी चीज नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छा होता है जिससे कि हमारे बर्तन वगैरह सारे चमक जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, वस्तु में रहता हुआ गंदा नहीं रहता है, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन मैं अभी आप लोगों को इस हरपिक की मदद से और इस दिए की मदद से अच्छे से इस तवे को चमकाना दिखाऊंगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चमक जाता है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ इस तवे से संबंधित, क्योंकि जैसे कि हम तवे को धोते हैं और धोने के बाद चाहे हम कितना भी साफ करें तो ये लोहे का तवा है, इस पे जंग लग ही जाता है। यदि आप रात को धोएंगे तो सुबह आपको थोड़ा बहुत जंग इसमें दिखेगा ही दिखेगा। और इस पे जंग ना लगे वो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहना और न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टिप्स लेके आई हूँ। और इसमें जो जंग ना लगे वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कभी भी जंग नहीं लगेगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं मैं यहाँ पर मेरा तो हमेशा ही साफ ही रहता है, ये मतलब कि इसमें वो ऐसी गंदगी नहीं है। तो फिर भी मैं इसको धो रही हूँ और इसको मैं अच्छे से चमका दूंगी। तो आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, क्या होता है ना कि तवा हो गया या हमारे फ्राई पैन कुकर वगैरह साफ सुथरे रहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखने में भी लगते हैं। और किचन में जब जाओ ना, किचन के अंदर जब घुसो तो किचन भी चमकती रहती है, तो अच्छा लगता है। और एक गृहिणी का पूरा दिन, मतलब कि दिन क्या और रात क्या, वो अधिकतर समय किचन में ही बीतता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो मतलब कि मैंने तवा रगड़ा है, साफ होने के बावजूद भी इससे ऐसा मैल निकल रहा है। कुछ दिए का होगा और कुछ तवे से निकल ही जाता है। तो इस तरह मैंने इसको रगड़ दिया अच्छे से। अभी मैं आप लोगों को इसको क्लीन करके दिखाऊंगी। और ये बहुत ही ज़्यादा चमक गया था तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। और मैंने पन्नी इसलिए लगाई दोस्तों, मेरे हाथ में हरपिक हो चाहे कोई मिर्च वाली चीज़ हो तो उससे मेरे को जलन होती है, इसलिए मैंने इसमें हाथ में पन्नी लगा दी ताकि मेरे हाथों में इसका गलत असर ना पड़े। और इस तरह आप लोग देख रहे होंगे मेरा तवा बिल्कुल चमक गया, और जो साइड में है वो तो मेरा ऐसे ही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये है मेरा पुराना आलू। और ये आलू होता है ना, जैसे हम बहुत सारे आलू लाते हैं तो कुछ आलू ऐसे हो जाते हैं, तो ये भी मेरा काम आएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी, बीच में से इसको कट कर दूँगी और इसके बाद मैं इस पर लगाऊँगी। क्या लगाऊँगी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये आलू मैंने काट दिया है
और इसके बाद मैं इस पे लगाने वाली हूँ नारियल का तेल। और नारियल का तेल आप लोग जानते हैं आजकल सर्दियों में बिल्कुल जम जाता है और ऐसे सख्त हो जाता है कि ये निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर की थी, तो वही टिप्स आज मैं आप लोगों ये शेयर करूँगी। तो इससे नहीं निकलेगा तो मैं वही निकालूंगी, और वही मैंने यहाँ पे डिब्बी लाई थी। तो इसको मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगा दूंगी, उंगली की मदद से लगा दूंगी, और आप लोग देख रहे होंगे मैंने ये निकाल दिया और उंगली के मदद से मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। और अब देखिए आप आगे मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और इसको ढक्कन लगा के रख दूंगी मैं साइड में। और अब मैं इस जो ये आलू और नारियल का तेल है इसको मैं तवे के ऊपर लगाऊंगी। और दोस्तों तवा धोने के बाद यदि आप लोग इस तरह इस पे नारियल का तेल और आलू के साथ किसके लगाओगे तो आपके तवे में कभी भी जंग नहीं लगेगा। और ये ज़रूर अप्लाई करना अपने घर गृहस्थी में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली टिप्स और ट्रिक? तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और डेली का हमारे जो गृहिणियों का होता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूजफुल है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आगे मैं आप लोगों को एक और टिप्स बता रही हूँ। तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि हमारे घरों में हम साबुन यूज करते हैं और बाथरूम में चाहे हम कितना भी सूखा के साबुन रखें फिर भी नीचे से इसकी नमी हो ही जाती है। तो दोस्तों ये साबुन मैं यूज कर रही थी, तो यहाँ पे जैसे बोतल के ढक्कन होते हैं, हमारे तेल की बोतल के होते हैं, और जो जूस होता है ना फंटा लिमका कोई भी जूस हो और माजा हो तो उसके जो ढक्कन है ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों इन ढक्कनों को इस तरह इस मतलब कि साबुनदानी में रख दीजिए और आपका साबुन बिल्कुल नीचे नहीं रहेगा और ऊपर ही ऊपर रहेगा, जो कि इसमें जो पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और इस तरह बिल्कुल साबुन बिल्कुल सूखा हुआ रहेगा। और आपको गीले साबुन यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि गीला साबुन अच्छा भी नहीं लगता और गल भी जाता है, अजीब सा लगता है, मुझे भी लगता है औरों को भी लगता होगा, जैसे मुझे लगता हो ऐसे औरों को भी लगता होगा। तो इस तरह रखें तो ये साबुन बिल्कुल अच्छे से रहेगा और आपका साबुन हमेशा सूखा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और यदि चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी बनता है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी टिप ज़रूर कमेंट। दोस्तों चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।